साल 2022 के लिए ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, साल भर में कुल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं और इसमें से जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। तो साल यानी कि ईयर 2022 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से शुरुआत हो गई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि क्या है यह और इसमें कौन कौन से विजेता बने हैं, जो कि सिंगल्स में, डबल्स में, फिर मिक्स्ड डबल्स में, ये सब सारी जानकारी को मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं और साथ साथ में जानकारी भी मिलती है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये जो है साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। अगर आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के भी चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 कहाँ हुआ, सबसे पहले देखते हैं। तो यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और कब से कब तक हुआ, तो यह 9 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है वह मेलबर्न में 9 जनवरी से 30 जनवरी तक खेला गया। बात करते हैं पुरुष सिंगल के कौन विजेता और उपविजेता रहे, यानी कि विनर और रनर अप जो मेन्स सिंगल में। तो विनर रहे राफेल नडाल और रनर अप यानी उपविजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। तो यहाँ पर राफेल नडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये मेन सिंगल को जीत लिए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का, और इसमें इन्होंने हरवाया है डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों हैं विजेता और उपविजेता। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि राफेल नडाल ने अब तक यानी कि 2022 तक कुल 21 यानी कि 21 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल जीत चुके हैं। ये 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को मिलाने से इनका टोटल 21 बार ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं ये मेंस सिंगल में। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राफेल नडाल हैं इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के ग्रैंड स्लैम के विजेता। महिला सिंगल्स की बात करते हैं यानी कि वोमेन सिंगल्स की, तो इसमें जो है विनर रही है एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, और रनर अप रही डेनियल कॉलिंस जो अमेरिका की हैं। तो ये एस्ले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ओमेंस, और डेनियल कॉलिंस जो है अमेरिका की, तो ये विजेता और उपविजेता रही हैं। तो ये नाम को याद रखना, यानी कि जो विजेता है राफेल नडाल और साथ ही साथ में एस्ले बार्टी, ये दोनों नामों को तो आपको याद ही रखना है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। अब बात करते हैं मेंस डबल में यानी कि पुरुष युगल में। निक गोर्गियस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो विजेता रहे। इनके साथ में जोड़ीदार रहे तनासी कोकिनाकिस, तो ये है तनासी कोकिनाकिस, ये दोनों खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के ही मैथ्यू एबडेन और मैक्स पर्सेल को हराया है। तो यानी यहाँ पर आप जानेंगे कि निक गोर्गियस और तनासी कोकिनाकिस ये दोनों विजेता रहे यानी रनर, ये विनर रहे, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के ही मैथ्यू एबडेन और मैक्स पर्सेल, ये दोनों की जोड़ी को इन्होंने हराया है। तो आपको ये भी याद रखना है। महिला डबल यानी कि महिला युगल में बात करते हैं वोमेंस डबल में, तो बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं टेनिस खिलाड़ी, और कैटरीना सिनियाकोवा ये भी चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों की जो जोड़ी है इन्होंने अन्ना डानिलिना और बेटरीज हेडेट माया, ये दोनों की जोड़ी को हराया है। तो बारबारा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक की और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक रिपब्लिक की जो जोड़ी है वोमेंस डबल में, इन्होंने अन्ना डानिलिना रूस की खिलाड़ी और बेटरीज हेडेट माया जो है ब्राज़ील की खिलाड़ी, इनकी जोड़ी को हराया है। तो रनर अप और विनर आप लोग ये यहाँ पे देख लेंगे। मिक्स डबल की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक पुरुष और एक महिला जो जोड़ीदार होते हैं वो अगले पुरुष और महिला जोड़ीदार को हराते हैं इसमें, इस खेल में मिक्स डबल में। तो यहाँ पे देखते हैं जेमी फॉरलिस ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी और जेसन कुबलर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ये दोनों की जोड़ी जो है इन्होंने क्रिस्टिना मलाडेनविक फ्रांस के खिलाड़ी और इवान डोडिग क्रोएशिया के खिलाड़ी की जोड़ी को हराया। तो यहाँ पे जो विनर बने हैं जेमी फॉरलिस ऑस्ट्रेलिया और जेसन कुबलर, ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने क्रिस्टिना
मलाडेनविक फ्रांस और इवान डोडिक क्रोएशिया, इन दोनों की जोड़ी को हराया है मिक्स डबल में। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है कि साल की जो है शुरुआत हो चुकी है ग्रैंड स्लैम में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के जो विजेता रहे मेंस सिंगल में वो राफेल नडाल स्पेन की खिलाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ साथ में महिला सिंगल्स की बात करते हैं तो इसमें एस्ले बार्टी ने जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं वो जीत चुकी हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को। और आपको ये जानकर ध्यान रखना है कि 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं पूरे 1 ईयर में, यानी 1 साल में। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर US ओपन, जो कि सबसे लास्ट में खेला जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे मेन सिंगल और साथ साथ में वोमेन सिंगल से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। थैंक यू दोस्तों।